नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021 से 2022 के लिए संस्था प्रदानों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी आदेश के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हम इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज के अंतर्गत हमें एडमिशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th फॉर SC, ST, OBC, EWS एक्सेट्रा स्टार्टेड ऑन शाला दर्पण पोर्टल दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य के केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल की स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से दिनांक 16 अगस्त 2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थी शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप अपने विद्यालय के संस्था प्रदान से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट किया गया है कि हमें जो आवेदन पत्र है वो कहाँ से प्राप्त होगा, विद्यालय में संस्था प्रदान के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। विषय वस्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रदान से शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर में संलग्न जमा कराने एवं संस्था प्रदान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड पश्चात सबमिट लोग करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। कक्षा 11 एवं कक्षा 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर देखी जा सकती है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट यहाँ दी गई है, इस पर भी हम जानकारी ले सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल की स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर भी छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध है एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत एवं दूरभाष नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन पर भी हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हमने पूर्व में एक विस्तार पूर्वक वीडियोस भी बनाया है, जिसमें हमने इसके नियम के संदर्भ में दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इस प्रकार हम इस आदेश के द्वारा ये समझ सकते हैं कि ST, SC, OBC, MBC, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत होना चाहिए केवल राजकीय विद्यालयों में। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र हमें विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त होंगे। संस्था प्रधान से एप्लीकेशन फॉर्म लेके इसे कंप्लीट फिल करना है, भरना है। इसके पश्चात विद्यालय में ही इन्हें जमा कराना होगा। विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।